30 साल पुराने रोड रेज के मामले में पूर्व क्रिकेटर और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और पीड़ित पक्ष की याचिका पर अंतिम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई है। दरअसल साल 1988 में नवजोत सिंह सिद्धू की कार पार्किंग को लेकर एक बुजुर्ग के साथ कहासुनी हो गई थी और ये बहस इतनी बढ़ गई थी कि हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। इस घटना में बुजुर्ग गुरनाम को चोट पहुंची थी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इससे पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराए जाने पर रोक लगा दी थी। इस मामले में सिद्धू ने कोर्ट में दलील दी थी कि बुजुर्ग की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, न कि चोट लगने से। बाद में गुरनाम के परिवार ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सिद्धू की सजा को बढ़ाने की मांग की थी। अगर सुप्रीम कोर्ट सिद्धू के दोषी पाए जाने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है तो सिद्धू को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा और विधानसभा की उनकी सदस्यता भी खत्म हो जाएगी।